सर आइए प्लीज गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर गुड गुड मैम मॉर्निंग प्लीज टेक यू सीट थैंक यू सर आप मिस्टर जगदीश कुमार हैं जी सर जगदीश बताइए अपने बारे में कुछ सर मैं जगदीश कुमार राजस्थान के जालोर जिले से आया हूँ सर मैंने अपनी uh, स्कूली शिक्षा आलोक पब्लिक स्कूल भीनमाल से प्राप्त की है ग्रेजुएशन uh, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से बी ऑनर्स में सर मैंने किया 2014 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से ही सर किया है 2014 में ही सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में ही जे आर एफ नेट जे हो गया था 2015 के सी ए में सर मेरी ऑल इंडिया हंड्रेड रैंक आई थी और सर जालोरी ढोल बजाना और हॉर्टिकल्चर मेरी हॉबी है और अभी सर मैं सिविल से सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी तो आपने कहा कि आपका चयन हो गया था यस सर लेकिन सर मैंने ज्वाइन नहीं किया सी ए पी क्यों सर मुझे लगा कि मैं अपनी जो मेरा एक ड्रीम है सिविल सर्वेंट बनना उसको सर उसके साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा तो सर मैंने उसको उसका रिजाइन दे दिया सर आपने कब रिजाइन दिया है सर मैंने ट्रेनिंग से पहले ही रिजाइन दे दिया था और ऐसा करने की वजह ये थी कि आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज ही आप करना चाहते थे जी सर मेरा ड्रीम है सर सिविल सर्वेंट बनना अगर मान लीजिए आपका सिविल सर्विसेज में चयन नहीं होता तब आप क्या करेंगे सर मैं अकेडमिक्स में कैरियर बनाना चाहूंगा एम फिल कर रहे हैं सर पी मैंने भी ज्वाइन नहीं किया एम कर चुके हैं सॉरी सर नहीं किया मैंने ज्वाइन आपने तो 2014 में एमए कर लिया था एकेडमिक्स के लायक तो अब बचे नहीं अब सर इस बीच में तो कोई रिसर्च पेपर वगैरह ना पढ़ रहे होंगे ना पब्लिश हो रहे होंगे सर मेरा अभी प्राथमिक गोल है सर कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन 100 परसेंट परसेंटेज के साथ में अपना एफर्ट लगाऊं सर उसके बाद में भी अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं सर अकेडमिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहूंगा चलिए आप मूलतः राजस्थान से आते हैं जी सर जालौर से जी सर बताइए इस जिले के विषय में इसकी क्या, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और क्या समस्याएं हैं इस जिले की सर जालोर राजस्थान के सदर्न वेस्टर्न पार्ट में एक अवस्थित जिला है सर इसकी प्रमुख विशेषता है सर ये मछली के आकार का है सर दूसरा है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का फोर्टी परसेंट सीलियम हस्क पाया जाता है सर जो एक मेडिसिनल यूज में आने वाला पौधा है सर जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास ग्रेनाइट पाया जाता है और सर कच्छ के रण का कुछ पार्ट जालोर में है सर वहाँ पे एक सुंदा माता का फेमस टेम्पल है जहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोप वे चलाया गया है सर कुछ चैलेंजेस भी है जालोर के विषय में चैलेंजेस में सर सबसे पहले है कि वर्तमान में वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग और इलीगल लिकर का सर एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया है जिसमें गुजरात में हरियाणा से आने वाली शराब गुजरात में ट्रांजिट की जाती है सर पूरे राजस्थान का लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट है सर सिलिकोसिस और फ्लोरोसिस की समस्या बहुत ज्यादा है ग्रेनेट इंडस्ट्रीज की वजह से सिलकोसिस हो जाते हैं और जो श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं उनकी सर जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं और सर ऑल ओवर देखा जाए तो कृषि और औद्योगिक दृष्टि से भी जालोर पिछड़ा क्षेत्र है आपने सरिकोसिस की बात की और और उसकी वजह ये है कि वहां पे विशेष खनिज मिलते हैं जिन खनिज की वजह से ऐसा होता है आ, ये पूरे भारत की समस्या है कि जिस जगह पर जो अगर किसी जगह पर खनिज प्राप्त होते हैं तो वे खनिज लाभ तो देश के दूसरे हिस्से को देते हैं और उससे होने वाली हानियां इतनी अधिक होती हैं जो केवल उस हिस्से को च, आ, आ, सहनी पड़ती है आपको नहीं लगता कि आ, जिस इलाके से जो भी खनिज मिल रहे हैं उनका उससे मिलने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा बहुत नामात्र नहीं एक बड़ा हिस्सा उसी इलाके पर व्यय किया जाना चाहिए ताकि कोई लाभ भी हो अब तो केवल हानि उस क्षेत्र को होती है पूरे उड़ीसा की स्थिति ये है पूरे आप बता रहे हैं राजस्थान में भी ये स्थिति है अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं झारखंड में भी यही होता है छत्तीसगढ़ में भी यही होता है सर वर्तमान सरकार ने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की है और सर इसके लिए जो परियोजनाएं चला चलाई जा रही है जिस उत्खनन परियोजना है उसके लिए सबसे पहले सर उनका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए सर इसके अलावा जो छोटे छोटे जो अलैड एक्टिविटीज है उस खनन की उसमें सर लोकल लोगों को जॉब देना चाहिए और उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए साथ ही जो काम कर रहे हैं श्रमिक उनके लिए सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मास्क प्रोवाइड किए जाने चाहिए और उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज दी जानी चाहिए रूटीन चेकअप उनका होना चाहिए और यदि सर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उनको पूरी सहायता दी जानी चाहिए जिससे सर उन वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य और सामाजिक दशा में सुधार हो सके थैंक यू जगदीश जी जब आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए अप्लाई किया था उस एग्जाम को एक ट्रायल एग्जाम के रूप में लिया क्योंकि फाइनली आप बनना चाहते थे सिविल सर्वेंट लेकिन आपको लगा कि करा रही है तो मुझे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम दिया जाता है आप सीरियस नहीं थे उस करियर को लेकर जी बिल्कुल नहीं सर ऐसा नहीं था सर उस ड्यूरेशन में मेरे को तो सर एक जॉब की जरूरत थी और उससे उसी ड्यूरेशन में सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो गया था सिविल सर्विस का तो सर आ, मुझे लगा कि मैं यदि और बेहतर प्रयास कर सकता हूं तो सर सिविल सर्वेंट बन सकता हूं क्योंकि सर ट्रेनिंग आने में एक साल और डिले हो गया और ड्यूरेशन में, में मेरा सेकंड इंटरव्यू भी हो चुका था यूपीएससी मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फिकल माइंडेड एस्पिरेंट थे जिसको एक जॉब की रिक्वायरमेंट थी फिर आप कन्विंस हो गया कि मेरा सिविल सर्विस में भी हो जाएगा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए तो आप कैसे कंपेयर करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को और सिविल सर्विसेज को कैसे कंपेयर करते हैं वो सर्विस है सिविल सर्विसेज की तुलना में आप ये सजेस्ट कर रहे हैं जी सर बिल्कुल नहीं दोनों ही राष्ट्र निर्माण और सर राष्ट्र सेवा के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन सर सिविल सर्वेंट मुझे लग रहा, लगता है कि वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और सर उससे ज्यादा वाइडर अपॉर्चुनिटीज वहां पर सर पीपल टू तो पीपल डायरेक्ट कनेक्टिविटीज है पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सर सिविल सर्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और सर आ, मुझे लगता है कि अल्टीमेट यदि मैं अस, असिस्टेंट कमांड बनता तब भी उसका डीजी सर नहीं बन पाता यदि मैं जो इसमें बहुत मेजर रिफॉर्म करने तो यदि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से जाता और आईपीएस भी बन जाता तो भी सर उसका डीजी बनने के मुझे पूरे चांस मिलते हाँ तो 24 सर्विसेज जिसमें जिसमें तीन दो सर्विसेज आपकी ऑल इंडिया की है कुछ सर्विसेज ग्रुप बी सर्विसेज भी है और जरूरी नहीं है कि आपको आई और आईपीएस ही मिले

वो सर मैं उसको एक्सट्रीम यूज करना चाहूंगा ठीक है जगदीश जी ये बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो डॉक्यूमेंटेड इतिहास है हमारे पास जी सर उसके बारे में कहा जाता है कि वो लिबरल पर्सपेक्टिव से लिखा गया है आप मुझे बताइए अगर वो राइटिस्ट से लिखा जाता तो किस फ्रीडम फाइटर को सेंटर स्टेज मिलता उस पर आप समझ पा रहे हैं यस सर सर मुझे लग रहा है कि यदि राइटिस्ट अप्रोच अप्रोच से लिखा जाता है यदि पूरा इतिहास तो हो सकता था कि वीर सावरकर है सुभाष चंद्र बोस है सरदार पटेल है उनको सर वेटेज मिलता ज्यादा वेटेज मिलता है, जो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो मतलब प्रिजुराइज है वो सही पिक्चर लोगों के सामने नहीं आई है वो किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से और वो प्लेग्ड है कम्प्लीटली सर नहीं मुझे सर लगता है कि ये बात नहीं है इतिहास में सारी धाराओं का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सर यदि इतिहास समग्र दृष्टिकोण से लिखा जाएगा तो सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है या इतिहास की जो भी महत्वपूर्ण घटना है उनको सर सभी को उचित प्रतिनिधित्व तो मिलेगा और चूंकि सर इतिहास में कहीं ना कहीं एक एक पर्टिकुलर विचारधारा है वो थोड़ी सी प्रभावी होती है तो सर मुझे लगता है कि इसकी वजह से कुछ कुछ जो व्यक्तित्व होते हैं उन्हें ज्यादा महत्व मिल जाता है और कुछ व्यक्तित्व को सर अपेक्षा करें तो उतना महत्व नहीं मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए अच्छा आपने एम भी किया है इतिहास में तो एक प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ महात्मा गांधी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे और बेहतर तरीके से उसको नेगोशिएट कर सकते थे मेरा प्रया ये है कि भगत सिंह की रिहाई वो मांग सकते थे शायद कुछ लोगों का आरोप है और हम लोग भी शायद कन्विंस है इतिहास को देख के कि उन्होंने भगत सिंह की पैरवी ही नहीं की और उस टर्म्स को नेगोशिएट ही नहीं किया जो कर सकते थे आपको लगता है कि महात्मा गांधी ये कहां तक सत्य है और अगर सत्य है तो ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर नहीं किया महात्मा गांधी ने सर गांधी जी अहिंसा की जो उनका सिद्धांत था उस पर सर अटल रहे और सर गांधी जी को लगता था कि यदि हम हिंसा के थ्रू किसी किसी भी पक्ष को बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे या हिंसा हिंसक जो गतिविधियों में इन्वॉल्व है उनको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आगे हमारा नेशनल मूवमेंट वॉयलेंट हो जाए और उससे एक इनडायरेक्टली मैसेज जाए कि गांधी जी यदि वॉयलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उनको भी आपको रिहाई करवा सकते हैं तो सर मुझे लगता है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी ने सर इरविन जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो ठीक होता लेकिन सर इसमें यदि भगत सिंह को फांसी की जगह उनकी रिहाई भी उनको सर फांसी की जगह उम्र कैद हो जाती तो और बेहतर होता क्योंकि सर एक बहुत यंग एज में ही भगत सिंह फांसी पे शहीद हो गए और यदि सर वो उनके विचार हमें दीर्घ वो दीर्घ जीवी होते तो उनके विचार और हमें मिलते अच्छा बताइए महात्मा गांधी के ऊपर ए के चार्जेस कितनी बार लगाए गए और कौन कौन से आंदोलन में लगाए गए सॉरी सर इसका मुझे नहीं सर जगदीश जय नारायण व्यास कौन थे सर राजस्थान के एक महत्वपूर्ण समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सर मारवाड़ क्षेत्र में जन जागरण किया और सर शिक्षा और जो राजनीतिक चेतना है उसके क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया सर साथ ही सर ये राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री भी थे अच्छा ये बताइए कि बाग में और बागीचा में क्या फर्क है सर इसका मुझे आईटे नहीं है सर सामाजिक वन क्या होता है सर जो सोशल फैक्टर जिसमें समाज के सारे लोगों का योगदान होता है और जो सर किसी संस्कृति या किसी परंपरा विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है सॉरी सर इसका आईटे नहीं है मुझे. आ, हम किन किन सब्जियों को सबसे ज्यादा पैदा करते हैं देश में सर टमाटर है आलू है प्याज है इनका सर हम मेजर प्रोडक्शन विश्व में किस सब्जी में उत्पादन नंबर पपीता है सर और आम सर। पपीते सबसे की सबसे ज्यादा खेती किस प्रांत में होती है जी सर इसका मुझे मुजाइटे नहीं अच्छा टमाटर सबसे ज्यादा किस प्रांत में पैदा होता है सॉरी सर इसका भी मुझे नहीं अभी भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति घोषणा की है यस सर कितनी अवधि के लिए है और क्या उद्देश्य है इसके सर अभी जो वर्तमान में कृषि नीति घोषित किया उसका सर टारगेट है कि हमारा जो कृषि एक्सपोर्ट है उसको डबल किया जाए और सर टू थाउजेंडर्टी तक है और सर आगे भी भी उसको मतलब तो तक का भी कुछ टारगेट दिया गया जिसमें हमारा जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है उसको और ज्यादा तीन गुना बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा विस्तारवादी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं सर जब जब आरबीआई द्वारा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर को सर जब रिलीज किया जाता है तो सर ज्यादा पैसा बैंक के पास आता है उसकी वजह से सर लोग ज्यादा पैसा लेते हैं और सर उसके कारण हमारे उपभोक्ता के पास ज्यादा और वो खर्च करने की ज्यादा क्षमता रखते हैं इसको सर विस्तारवादी मौद्रिक नीति अभी नई बजट व्यवस्था में सरकार ने कर की दरों का इस तरह से इंतजाम किया है व्यवस्था की है कि जिसकी आमदनी पांच लाख होगी उस उसपे एक भी रुपये का कर नहीं लगेगा जिस... लेकिन जैसी उसकी आमदनी पांच लाख से ऊपर चली जाएगी उसके ऊपर 20 परसेंट की दर से टैक्स लगेगा यस सर क्या आपको लगता है कि दरों की ये व्यवस्था कर कानून के का अनुपालन में मदद करेगी जी सर मुझे लगता है कि सर इसमें जो वर्तमान सरकार ने जो रिबेट दी है पांच लाख तक के निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को तो सर उससे एक तो सर जो जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने वाले उनकी सर संख्या बढ़ेगी और सर लेकिन एक एस्पेक्ट ये है कि यदि पांच लाख से जैसे ही हम पांच लाख एक रुपया हो जाएगा तो सर उन पर टैक्स ट्वेंटी परसेंट लगेगा तो सर बेहतर होता है इसके बीच का एक और स्लैब बना दिया जाता ठीक है टोडरमल के राजस्व व्यवस्था से उनके चिंतन के बारे में क्या पता लगता है सर इससे ये पता चलता है कि जो टोडरमल थे वो एक सर बेहतर आर्थिक आर्थिक विशेषज्ञ थे और सर वो राज्य की अर्थव्यवस्था को लेके और उसकी जो भू राजस्व प्रणाली थी उसको लेके सर उनका सर उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था क्या व्यवस्था थी जरा संक्षेप में समझाएं सर आईने दस साल उनकी जो व्यवस्था थी उसमें जो लास्ट दस साल का था उसका एवरेज लेके सर भू राजस्व वसूल करने की उसमें नीति थी सर आजकल के मौसम विज्ञान को ध्यान रखते हुए ये दस वर्ष की अवधि क्या युक्ति संगत थी अगर आज के हम ज्ञान का उपयोग करके समझने की कोशिश करें सर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की वजह से और सूखा और अतिवृष्टि या अनावृष्टि या ओलावृष्टि की वजह से सर फ्लक्चुएशन होता रहता है कृषि उत्पादन में तो सर मुझे लग रहा है कि वर्तमान में पांच साल का जो एवरेज है वो ठीक रहता तत्कालीन परिस्थितियों में सर वो समय उचित रहा होगा राजस्थान के स्थानीय स्थितियों का औसत निकाल के जो कि एक सूखाग्रस्त इलाका है गंगा यमुना द्वार के सिंचित इलाके में वर्षा इलाके में एवरेज लागू करना क्या व्यवहार परक था सर तत्कालीन परिस्थितियों में उनके पास कोई डेटा कलेक्शन या सैटेलाइट से इमेज लेने वाली या सर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सर उन्होंने उसके अनुसार एक मोटा मोटा आइडिया लगाया होगा और सर गंगा यमुना दोआब में सर ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां पे नहीं आता है कृषि उत्पादन में क्योंकि सर सर वो सिंचित उसी टाइम से तो सर मुझे लग रहा है कि वो उचित ही उन्होंने उचित नीति से दस साल की जो टाइम पीरियड था वो उचित रहा होगा अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है सर कार्यवाहक वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल सर है और सर जो वित्त जो ओरिजिनल वित्त मंत्री है वो सर अरुण जेटली जी ठीक जगदीश जी सर जगदीश हॉर्टिकल्चर आपकी हॉबी है यस सर ये स्टेम कटिंग स्टेम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या अंतर है सर इसका एग्जैक्ट अंतर मैं सर नहीं देख पाया सॉरी सर ओके okay. कलम लगाना किसे कहते हैं सर एक पौधे की एक डाली पे सर उसके चारों ओर लेयर लगा दी जाती है सर उसमें उस जिस जिसकी वजह से उसमें जड़े विकसित हो जाती है और बाद में सर उसको काट के अलग कर दिया जाता है सर किस तरह के पौधे में करते हैं हम ये सर बेसिकली जो जो फल फलदार पौधे जैसे नींबू का है सेब का है इसमें सर करते हैं okay. आ, yes, के बारे में आपका क्या कहना है भारत में अपना लेना चाहिए इसे सर इस पे एक व्यापक सहमति बनाने से पहले किसान जो जो हितधारक समूह है किसान है वैज्ञानिक है सामाजिक चिंतक है राजनीतिक विशेषज्ञ है उनको सर इसमें शामिल करके सर्व सहमति बनानी चाहिए एक सर निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए जो कमेटी है अभी इसके लिए किस कमेटी के द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ओके okay. भारत में कोई जीएम क्रॉप उगा रहे हैं हम अभी बताइए कौन सा जीएम कपास सर उगाते हैं कुछ दिन पहले जीएम मस्टर्ड जीएम सरसों भी चर्चे में था यस सर उसकी क्या स्थिति है सर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है और सर चूंकि सरसों खाद्य खाद्य तेल के रूप में यूज होता है तो उसके जो तथाकथित जो दुष्परिणाम है उनको लेके सर विशेषज्ञों में आम राय नहीं बन पा रही है और कुछ सामाजिक संगठनों ने सर आर लगा दी थी, थी इसकी वजह से उस सर उस पर बैन लगा दी है और मुझे यदि यदि उसके जो जो जो, जो तथाकथित नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको प्रॉपर एड्रेस किया जाए तो सर जीएम सरसों हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बेहतर होगा ओके कहाँ बनाया गया था जीएम सरसों सरसो को सर डेली यूनिवर्सिटी राजस्थान की एक समस्या है मरुस्थलीकरण यस yes, सर उसको रोकने के क्या प्रयास किए जाते हैं सर मरुस्थलीकरण एक सतत आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है उसके लिए सर हमें जो जो चारागा विकसित कर देना चाहिए जिससे रेत स्ट्रांग हो जाए सर एक बेल्ट बना जा, ग्रीन बेल्ट बना दिया जाना चाहिए कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए सर अनियंत्रित uh, जो पशुपालन और चरा जो चराई है उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो हॉर्टिकल्चर से खास किस्म के पेड़ पौधे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहां हो रहे हैं yes, उस जगह पे पता है कौन सा पेड़ इस्तेमाल कर रहे हैं सर और रोहिडा इसके लिए यूजफुल होता है और एक सेवन घास आती है उससे, sir, वो उससे सर वो बहुत फैल जाती है तो उसकी वजह से मिट्टी को पकड़ में रखती है और उसका विस्तार नहीं होता चलिए एक स्थिति लेते हैं मान लीजिए कि आप एक आई ऑफिसर है यस सर और आपके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी हैं दो लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना है दो दिनों का ही काम है बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से एक अधिकारी ईमानदार है लेकिन कार्य दक्षता बहुत अच्छी नहीं है दूसरा अधिकारी ईमानदार तो नहीं है लेकिन बहुत कार्यकुशल है शॉर्ट टर्म काम है दो दिनों का ही काम है तो किसको चुनेंगे आप सर मैं ईमानदार व्यक्ति को सुनना पसंद करूंगा लेकिन कार्य दक्षता तो है नहीं वो तो दो दिन में काम पूरा ही नहीं कर पाएगा सर मैं भी उस कार्य में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊंगा और ओवर ओवर टाइम काम करना पसंद करूंगा और सर मैं अपने उच्चस्त अधिकारियों को कहूंगा कि सर इसमें आप मुझे एक एक दो दिन की एक्स्ट्रा रिलीफ दे दे तो और बेहतर होगा क्योंकि सर ईमानदारी बहुत प्रशासन में ईमानदारी बहुत अपना इम्पोर्टेंट रखती है और सर इसका एक दीर्घकालिक इम्पेक्ट पड़ेगा जेट्रोपा या रतनजोत की खेती होती है राजस्थान में यस yes, सर किस स्तर की जाती है और क्या उसके कारण है सर भीड़ा बीकानेर गंगानगर उस एरिया में इसकी बायोडीजल बायो बना रहे हैं ये? यूज कर रहे हैं भारत में यस सर कहां कहीं आपने देखा बायोडीजल बिकते हुए सर आ, मैंने देखा नहीं लेकिन सर यूज होता है ये मुझे थोड़ा आईटे अच्छा और बायो इथेनॉल कैसे बनाते हैं सर गन्ना मैं श्योर नहीं हूँ आप कहे तो गैस कर सकते गन्ना, गन्ना की बाद में बची हुई जो अवशेष होते जाता है, है सर जो ये सर बे, बेसिकली रेलवे का कंसेप्ट है जिसमें सर टॉयलेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं जो जो मानव मल होता है उसको सर उसमें कंज्यूम कर देते है बिना हानिकारक पदार्थों में और किस उद्देश्य से इसको लगाया गया है स्वच्छता सर स्वच्छता की पटरी पर से गंदगी ना फैले और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो सक्सेसफुल हो ठीक जगदीश फरवरी में ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के 40 साल पूरे होते हैं जी आ, क्या वजह थी ये रेवोल्यूशन होने का ईरान में मैम जो ईरान में रेवोल्यूशन हुआ उसका मुख्य कारण ये था कि जो उदारवादी गणतंत्र व्यवस्था थी मोहम्मद के नेतृत्व में उन्होंने उदारवादी जो कंसेप्ट अपनाए थे कुछ लोगों जो रेडिकल इस्लामिक थे उन्होंने उसको सर, उस, इसको उसका प्रतिकार किया और उन्होंने उनको पाश्चात्य देशों का पिट का इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने आयातुल्ला खमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रेवोल्यूशन कर दिया तो 40 साल बाद अगर देखा जाए तो ये बोला जा सकता है कि सक्सेसफुल था रेवल्यूशन जी मैम वर्तमान की जो ईरान की परिस्थिति है वो पूरे विश्व से अलग लग लगातार पड़ता जा रहा है जो उसकी ईरान डील है पांच पांच राष्ट्रों के साथ में तो उसकी वजह से कहा जा सकता है कि वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं रहा ठीक है और अश्काबाद अग्रीमेंट है एक क्या इंडिया उसका हिस्सेदार है, मेंबर है उसका जी मैम यस इंडिया उसका हिस्सेदार है ठीक है क्या वजह रही कि आ, इंडिया इसको ज्वाइन करना चाहता था क्या फायदे होंगे इंडिया को इसको ज्वाइन करने के जो मिडिल एशिया के कंट्रीज है उनमें भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वो चूंकि खनिज संसाधनों की दृष्टि कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा पे इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा ठीक है एंजल टैक्स क्या होता है जगदीश स्टार्टअप पे लगाने वाला टैक्स है जब स्टार्टअप शेयर जारी करते हैं तो वो वास्तविक मूल्य होता है उससे ज्यादा पे उसको जारी करते हैं तो सेबी को लगता है कि जो वास्तविक मूल्य और जो जो उन्होंने जिस जिस दर शेयर जारी किया है उसके बीच का जो है उसको लाभ कंसिडर किया जाता है और उस पर थर्टी परसेंट के हिसाब से टैक्स रखा जाता है ठीक है सिक्किम में अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करना चाह रहे हैं अगर ये भारत पे शुरू पूरे भारत में दिया जाता है तो क्या इसके चैलेंजेस रहेंगे सबसे पहले तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाएगा दूसरा एक इसका सोशल एस्पेक्ट होगा कि सर इसकी वजह से कुछ लोग काम करना बंद कर देंगे कि उनको लगता है कि उनकी इनकम तो फिक्स है तो उनमें अकर्मण्यता फैल सकती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ने के चांस रहेंगे ठीक है और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है पीसीए जिसको बोलते हैं मैं मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं ठीक है और स्वदेश दर्शन स्कीम जी। उसके बारे में आपको आइडिया है जी बिल्कुल आ, बिल्कुल एग्जेक्ट आइडिया नहीं है मैम थोड़ा अच्छा राजस्थान में आ, है या नहीं एक चुनाव शहर जी आइडिया नहीं है ठीक है आ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो नागालैंड में अभी आफ्सपा लगाया गया है जी आ, बात यह हो रही है कि सभी जगह से हटाया जाना चाहिए और हम एक नई जगह पे लगा रहे हैं आ, क्या ऐसा होना चाहिए आपके मुताबिक या नहीं आ, हटा देनी चाहिए मैम आपसपा हटाने से पहले आर्मी और वहाँ की जो जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनसे कंसल्ट करना चाहिए और यदि कोई परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा पर थ्रेट उत्पन्न हो सकती है तो अपसपा को यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और यदि हटाने से पहले वहाँ पे शांति व्यवस्था है तो हमें उसे क्रमिक रूप से हटाना चाहिए ना कि एकदम उसको हटा दिया जाना चाहिए ठीक है और इसराइल और यूएस ने अभी हाल ही में यूनेस्को से यूनेस्को को छोड़ा है क्यों किस वजह से मैम यूनेस्को में फिलिस्तीन को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया इंडिया की क्या पॉलिसी है इसराइल और फलिस्तीन की तरफ द्विराष्ट्र सिद्धांत पे भारत का स्टैंड है और भारत चाहता है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों राष्ट्र बन जाए तो वो पूरे राष्ट्र पूरे विश्व के लिए बेहतर होगा अच्छा और अभी लद्दाख को डिविजनल स्टेटस दिया गया है जी। क्यों दिया गया है मैम लद्दाख रिमोट एरिया में है और उनको जम्मू या कश्मीर डिवीजन में आने में बहुत टाइम लगता है तो वहां के लोगों का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके हो सके इसलिए लद्दाख को एक थर्ड डिवीजन का दर्जा दिया गया है ठीक है और अगर देखा जाए तो अभी इंडिया ने रोहिंग्या जो रेफ्यूजी थे इंडिया में उनको वापस भेजा है म्यांमार वहाँ भेजा है जहाँ पे आ, उन पे ऑलरेडी अत्याचार हो रहे हैं क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए था मैम बेहतर होता यदि भारत उनको डिपोर्ट करने से पहले वहाँ के वहाँ के लोगों से वहाँ की सरकार से वार्ता करता और यदि जब तक वहां पे परिस्थिति सामान्य नहीं, नहीं हो जाती तब तक यदि हम उनको मानवता के आधार पर यहाँ पे शरण देते तो मुझे लग रहा है कि ये बेहतर होता है सर जगदीश जी सर आपको ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला है सही में गोल्ड का होता है ऐसे ही कह देते हैं गोल्ड मेडल सर अभी तक मुझे मिला नहीं है वो बताइए स्वर्ण पदक गोल्ड का क्या केमिकल सिंबल है सॉरी सर yes. नहीं, भारत में गोल्ड का सोर्स क्या है सर कोलार की खाने कर्नाटका में क्या उनसे भारत की मांग पूरी हो जाती है जी सर नहीं भारत इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टर है सर बहुत बड़ा इम्पोर्टर यस yes. सर जगदीश नाम है आपका जी सर ये जो आरती होती है जगदीश वाली जी सर जरा एक दो पंक्ति सुनाइए ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश किस देव की आरती है सर मुझे उसका आइडिया नहीं है आपको अपने नाम की आप किस देव के नाम से आपने नाम लिया इसका परिचय नहीं है जी सर जगदीश का मतलब सर भगवान विष्णु से होता है लेकिन ये आरती एग्जैक्ट किसकी है क्योंकि सर मैं सर जनरली आरती को मतलब नहीं बजाता हूँ सर और हमारी माइथोलॉजी में जो विष्णु और शिव को लेकर टकराव देखने को मिलती है इसकी मुख्य वजह क्या है हम देखते हैं कि लगभग जब तक संस्कृत पीरियड रहता है शिव आराध्य है और उसके बाद विष्णु हो जाते हैं ऐसा क्यों सर भगवान विष्णु को हमारे जो आ, जो सृष्टि है उसका उद्भवकारी माना गया और भगवान विष्णु को भगवान शिव को सर उनका लेकिन लगभग लगभग सारे संस्कृत साहित्य में तो इंद्र देवता है जिस फिर ये विष्णु अचानक कैसे टपक पड़ते हैं सर ये उत्तर वैदिक काल में सर जो देवता था उनका भी कंसेप्ट सर चेंज हुआ और उससे पहले इंद्र महान थे उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में सर भगवान विष्णु महान हो गए जिन्हें प्रजापति कहा गया ऐसा क्यों का, हुआ होगा आपके अनुसार सर तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परि, परिस्थिति ऐसी थी कि उनको सर जो पहले पहले मुलक समा, समाज रहा रहा था, था उसके बाद उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक विभाजन हो गया और उन्हें किसी एक भगवान को सर्वश्रेष्ठ बना आपका क्या अनुमान है फिर इस क्रम में आगे चलेंगे तो अगला कौन सा देवता होगा जो प्राथमिकता पाएगा और अब जो देवता है वो पार्श्व में चला जाएगा सर मुझे लग रहा है भगवान शिव फिर से वापस आएंगे यस yes, सर ठीक है जगदीश आपसे बात करके अच्छा लगा आप जा सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू मैम